दोस्तों शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक, तो वहीं फिर हार की कगार पर पहुंच गया था भारत। लेकिन रोहित शर्मा की इस चालाकी के चलते मोहम्मद सिराज के हाथों एक के बाद एक विकेट लेकर ऐसे पलटवाया मैच कि देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला वनडे मैच आपको पूरा बताने जा रहे हैं, जहां शुभमन गिल के दोहरे शतक के साथ आप सभी को मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव की गेंदबाजी भी मिलेगी देखने के लिए, जिसकी बदौलत टीम इंडिया इस हारे हुए मैच को आज अपने नाम कर पाई। तो दोस्तों पूरा हाईलाइट वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी कि 18 जनवरी को 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला गया, जहां टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के शानदार दोहरे शतक की बदौलत 350 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। हालांकि आपको हम बताते हुए चले कि इस मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल इस मैदान पर अपना हाथ जमाते चले गए, तो उन्होंने यहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को धार धार कर दिया। जी हां दोस्तों, यहां पर हुआ ये कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भले ही पारी की शुरुआत की थी, दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी साझेदारी निभा भी रहे थे, लेकिन यहां पर पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को लगा, जहां ब्लायर टिकनर ने उनको डैरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवा दिया और रोहित शर्मा 38 गेंदों में 34 रन बनाकर ही आउट हुए। जहां रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 4 चौके और 2 बड़े छक्के भी लगाए थे, जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे विराट कोहली, जहां विराट कोहली भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए और 10 गेंदों में 8 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और टीम इंडिया को ये दूसरा बड़ा झटका लगा। और विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर चौथे नंबर पर उतरे ईशान किशन 5 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और इस बीच भारत के 3 बड़े विकेट 110 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। लेकिन यहां पर शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव पर अब पूरी जिम्मेदारी थी पारी को संभालने की और दोनों बल्लेबाज ऐसा करते हुए भी नजर आए, जहां शुभमन गिल ने सूर्य कुमार यादव का साथ निभाया और दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया और इस बीच सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली और उनका साथ निभा रहे शुभमन गिल ने 149 गेंदों में दोहरा शतक लगाते हुए 208 रन बनाए और अपनी पारी में 19 चौके और 9 बड़े छक्के भी लगाए। बाकी हार्दिक पांड्या 28 रन, वॉशिंगटन सुंदर 12 रन और शार्दुल ठाकुर 3 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे, जिसके चलते भारतीय टीम ने यहां 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बना लिए थे। और यहां पर न्यूजीलैंड की तरफ से हेनरी सिफले और डैरिल मिचेल ने 2-2 विकेट हासिल किए और अब न्यूजीलैंड की टीम के सामने लक्ष्य था 350 रनों का। हालांकि ये लक्ष्य इतना आसान था नहीं जितना कि देखने में लग रहा हो और इसी लक्ष्य के जवाब में जब फिन एलन और डिवॉन कॉनवे ने पारी की शुरुआत की तो दोनों ही बल्लेबाज अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा नहीं पाए। जी हां दोस्तों, डिवॉन कॉनवे के रूप में यहां पहला बड़ा झटका मोहम्मद सिराज ने कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवा कर न्यूजीलैंड की टीम को दिया, जहां डिवॉन कॉनवे इस मैदान पर 16 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर ही आउट हुए और डिवॉन कॉनवे के आउट हो जाने के बाद अब हेनरी निकोलस और फिन एलन को पारी को संभालना था। लेकिन दोस्तों यहां पर इनको भी भारतीय गेंदबाज टिकने नहीं देते और देखते ही देखते न्यूजीलैंड की टीम अपने एक एक करके विकेट गंवाती चली जाती है। और यहां पर जैसे ही फिन एलन बड़े शॉट खेलना शुरू कर देते हैं तो यहां पर शार्दुल ठाकुर उनको 40 रन पर ही पवेलियन भेज देते हैं और ये दूसरा बड़ा विकेट गिर जाने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज एक एक करके अपने विकेट गंवाते चले जाते हैं। जहां तीसरा झटका हेनरी निकोलस के रूप में लगता है, जो कि 31 गेंदों में 18 रन ही बना पाए और कुलदीप यादव ने उनको बोल्ड आउट किया रोहित शर्मा के इशारों पर। तो वहीं फिर डैरिल मिचेल के रूप में चौथा झटका न्यूजीलैंड को लगा, जो कि 9 रन बनाकर ही कुलदीप यादव की गेंद पर LBW आउट हुए और फिर टॉम लैथम यहां पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ग्लेन फिलिप्स ने यहां 11 रन की पारी खेली और देखते ही देखते मात्र 131 रन के कुल स्कोर पर ही न्यूजीलैंड की टीम के 6 विकेट गिर चुके थे। अब मात्र बचे थे 4 विकेट अगर भारत को यह मुकाबला अपने नाम करना था। लेकिन दोस्तों दो ऐसे बल्लेबाज न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर गए जिसका शायद रोहित शर्मा को भी पता नहीं था। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि मैदान पर जब 6 विकेट गिर जाने के बाद उतरे माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सैंटनर, इन दोनों ने पूरी पारी को बदल कर रख दिया। जहां एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में लगभग 97% तक मैच हार चुकी थी, लेकिन इन दोनों ने न्यूजीलैंड की टीम को लगभग जीत के दहलीज पर ही पहुंचा दिया था। क्योंकि यहां पर माइकल ब्रेसवेल ने सबसे पहले तो 34 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और दोस्तों इतना ही नहीं, उन्होंने 70 रन तो मात्र 40 गेंदों में ही बना डाले थे और इस बीच उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी
बल्लेबाजी यहाँ जारी थी। रोहित शर्मा भी काफी ज्यादा दबाव में थे कि आखिरकार इन दोनों को आउट किया कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गेंदबाज गेंद से वो प्रहार नहीं कर पा रहा था जिसकी टीम इंडिया को जरूरत थी। हालांकि गेंद पुराना हो चुका था, लेकिन भारतीय टीम के हौसले पुराने नहीं हुए थे। भारत को अभी भी मैच जीतने की पूरी उम्मीदें दिखाई दे रही थी, जहाँ रोहित शर्मा पूरी कोशिश कर रहे थे। विराट कोहली से चर्चा भी जारी थी उनकी कि आखिर इन दोनों को कैसे आउट किया जाए, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख भी सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये दोनों तो आज कुछ और ही कसम खाकर आए थे कि आउट तो होंगे नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की टीम को जीत दिलाकर ही जाएंगे, और ऐसा बखूबी ये कर भी रहे थे। लेकिन दोस्तों, वो ओवर निकल कर आया जहाँ इनका विकेट गिरा और वहीं से ही मुकाबला पूरा पलट गया, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख भी सकते हो, जहाँ मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने दो दो विकेट हासिल किए, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर को एक एक विकेट मिला, और हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच खेले गए पहले वनडे मैच के बारे में, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। जी हम आपको बता दें कि सुमन गिल ने आज मात्र 87 गेंदों में 100 रनों की पारी खेली। भले ही शुरुआत उनकी पारी की काफी धीमी थी, लेकिन एक बार जब शतक लग गया तो उन्होंने अपने आप को रोका नहीं और वो खूब छक्के चौकों की बरसात करते हुए नजर आए, जहां देखते ही देखते टीम इंडिया 200 रनों के पार पहुंच गई। और इसमें सबसे बड़ा योगदान तो शुमन गिल का ही था। और हम आपको बताते हुए चलें कि शुमन गिल ने आज जैसे ही शतक लगाया तो उन्होंने अपने वनडे क्रिकेट करियर के 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं। और दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि वनडे क्रिकेट में 1000 रन सबसे तेज पूरे करने के मामले में शुमन गिल ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। में अगर बात करें तो दोस्तों, शुमन गिल अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, क्योंकि फखर जमान ने ये कारनामा 18 मैचों की 18 पारियों में कर दिखाया था 1000 रन सबसे तेज पूरे करने के मामले में। तो वहीं इमामुल हक दूसरे नंबर पर आते हैं, जिन्होंने 19 मैचों की 19 पारियों में ये कीर्तिमान स्थापित किया। और इन्हीं के साथ अब शुमन गिल का नाम भी आ चुका है दूसरे नंबर पर, जहां शुमन गिल ने 19 मैचों की 19 पारियों में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रचा है। तो दोस्तों, यहां पर शुमन गिल ने जिन खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा उस लिस्ट में विवियन रिचर्ड्स, केविन पीटरसन, ट्रॉट, क्वेंटन डिकॉक, बाबर आजम और वेंडर ड्यूसेन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों को पीछे कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर शुभमन गिल ने तो एक के बाद एक बड़े कीर्तिमानों को अपने नाम कर यहाँ भारत का नाम काफी ऊंचा कर दिया है। तो दोस्तों, शुभमन गिल के इन शतक के बाद तो अब ये पूरा कन्फर्म हो जाता है कि इस साल का जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें शुभमन गिल को जरूर मौका तो मिलने वाला ही है, और साथ ही वो अपनी ऐसी ही बल्लेबाजी फॉर्म को अगर आगे भी जारी रखते हैं तो टीम इंडिया के लिए काफी सही संकेत होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।